हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक और म्यूचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे आपने पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। दोस्तों, 21 फरवरी को जो है कि महाशिवरात्रि है, तो उस दिन मार्केट क्लोज रहेगा। तो ये जो आने वाला वीक रहेगा उसमें वीकेंड थोड़ा बड़ा रहेगा, हमको 4 ट्रेडिंग सेशन ही मिलेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आने वाला वीक से पहले देखेंगे लास्ट वीक में क्या हुआ था। तो देखिए कि लास्ट वीक में जैसे मार्केट है एक दायरे में घूम रहा था, 12,200 से लेकर नीचे 12,000 का सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे मार्केट वैसे दिख रहा है, आपको चार्ट पे दिखेगा कि ये पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट का जो सेंटिमेंट मुझे थोड़ा यहाँ पे साइडवेज लग रहा है। जब भी ये दो लेवल ब्रेक होता है, जैसे कि 12,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है या फिर 12,000 के नीचे अगर एक क्लोज होता है, तो एक नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को हम लोग कन्फर्म बोल सकते हैं। लेकिन अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है वहाँ पे हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मार्केट आपको कन्फर्म नहीं समझ रहा है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको लेवल के ऊपर काम करना है। और वो कैसे करना है मैं आपको चार्ट के ऊपर जाके बताऊँगा। तो मार्केट कहाँ भी जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर टेक्निकल टूल्स जो है कि प्रॉपरली यूज़ करते हो तो आपका ट्रेडिंग प्रॉपरली हो जाएगा। फिर भी हम लोग गेस करेंगे कि मार्केट का जो सेंटीमेंट क्या हो सकता है आने वाले वीक में। जैसे कि लास्ट वीक में बहुत सारे इवेंट्स भी थे, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज और बैंक का जो इशू आया था फ्राइडे को, उसके वजह से जो बैंकिंग स्टॉक है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हुआ है। और जैसे कि बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है, तो वो भी हम लोग चार्ट रीड करेंगे। आने वाला वीक में मीन्स क्या न्यूज़ या हो सकते हैं हमको हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमारे डोमेस्टिक में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। ये अगर जो टेलीकॉम का जो न्यूज़ आया था उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और दूसरा कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो जैसा कि चाइना का कोरोना वायरस का जो ये डर है वो अभी तक कंटिन्यू है, और वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, हमारा डोमेस्टिक मार्केट के भी आ सकता है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये जो सब चीज़ें फंडामेंटल जो भी होता है हमको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। प्लस हम लोग हमारे टेक्निकल लेवल भी देखेंगे, तो हम लोग एक चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों, जैसे कि आने वाला 24 तारीख को मंडे को हमारा एक नया जो है कि कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। और वो कोर्स जो रहता है वो लाइव रहता है, एक महीने का कोर्स रहता है। उसके बाद 8 दिन हमारे साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो एक कोर्स के लिए जिनको भी रजिस्टर करना है या एक कोर्स करना है हमको व्हाट्सएप या कॉल करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो यहाँ पे हम लोग वीकली व्यू दिख रहे हैं, तो थोड़ा हम पहले मंथली चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मंथली चार्ट में जो है कि यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा बाइंग प्रेशर मंथली में दिख रहा है। नेक्स्ट हम वीकली देखेंगे, तो वीकली में देखिए कि ये जो कैंडल आ रहा है जस्ट लाइक दोजी है, या फिर जैसा हम लोग बोलते हैं उसको स्पिनिंग टॉप वगैरह। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे एक निगेटिविटी इसलिए दिख रहा है कि ये दोनों तरफ, यानी कि पहला जो वीक का था कैंडल था ये पूरा बुलिश था, अभी यहाँ पे बेयर्स ऊपर से अटैक कर रहे हैं, नीचे से बुल भी जोर लगा रहा है। तो यहाँ पे ये जो बाइंग था ये थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है, ऐसे वीकली चार्ट में दिख रहा है। हम लोग डेली पे जाके देखेंगे, तभी डेली में चार्ट में देखिए कि हम लोग थोड़ा इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अगर मार्केट जो है कि एक बिल्कुल मिडल में खड़ा है, यहाँ पे टॉप है और यहाँ पे एक बॉटम है। ये जो कि इम्पोर्टेंस लेवल रहेंगे, जब भी मार्केट या ऊपर ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिविटी और यहाँ पे नेगेटिविटी होगा। नजदीक वाले अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लेवल है लगभग ये है 12,200, और यहाँ पे नजदीक वाला नीचे जो है यहाँ पे एक 12,000 का लेवल है। तो कभी भी जब भी मार्केट ब्रेक करता तो पहले नजदीक वाले लेवल ब्रेक करेगा। एक लगभग जो ये लेवल जो आता है नजदीक वाला 12,200 के आसपास है, ऊपर 12,270 यानी कि 12,300 के आसपास ये लेवल आएगा। तो ये नजदीक एटलीस्ट नजदीक वाले लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम लोग ऊपर वाले लेवल के बारे में सोचेंगे। इसके बीच में क्या होता है कि मार्केट जैसे कि नेगेटिव दिखाएगा, पॉजिटिव भी दिखाएगा। जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग कन्फर्मेशन नहीं लेते कि मार्केट
एक निगेटिव या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मार्केट जो सेंटिमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुझे थोड़ा सा साइडवेज टाइप लग रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक नजदीक वाला ये लो ब्रेक करे तो हम समझेंगे कि एजो की डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ पे भी जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नजदीक वाला एजो हाई ब्रेक होने दो, ये ब्रेक तो किया था, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था डेली कैंडल में कि ये अगर स्ट्रांग कैंडल से ब्रेक करे तो मुझे थोड़ा कंफर्मेशन होता, तो ये स्ट्रांग कैंडल से ये ब्रेक नहीं किया और उसके बाद ब्रेक करने के बाद दो दिन पॉजिटिव कैंडल नहीं बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो दिन पॉजिटिव कैंडल बना था तो ऊपर वाला भी जो लेवल है 12,271 वाला जो लेवल है ये ब्रेक करता और भी स्ट्रांग होता। तो यहाँ पे जो मार्केट है 12,200 के ऊपर जब भी आता है मार्केट थोड़ा एक वीक होने लगता है, ये आपको दिख रहा है। तो अभी तक मार्केट जो है कि आपने तैयारी नहीं किया कि एक अच्छा ब्रेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट जो है कि 12,000 का सपोर्ट, यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, यहाँ पे बच गया था, लेकिन अभी जैसे कि सेकेंड टाइम आता है तो यहाँ पे उसको सस्टेन करता है कि नहीं करता ये देखना पड़ेगा। तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव, बाकी और फंडामेंटल भी चीजें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में 4 दिन ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कॉशियसली और एक अपना लेवल के ऊपर फर्म ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मंडे के बारे में बोलूँ तो मंडे को भी बाइंग के लिए अपना वही लेवल है 12,136, 12,136 के ऊपर बाइंग कर सकते हो, सेलिंग के लिए 12,098 इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। ये ओनली मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। वीकली लेवल पे अगर एक कंफर्म अगर पॉजिटिव के लिए हम लोग देख रहे तो 12,271 के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक बुलिश ट्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट जो लेवल रहेगा मैं वीकली बेसिस पे बोलूँ तो वो रहेगा जो हाई था 12,427, ये लेवल को टच करने का ट्राई करेगा। वीकली बेसिस के ऊपर अगर 12,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, अगर ये इसके नीचे अगर वो क्लोज होता है तो यहाँ पे नीचे वाले लेवल भी आ सकते हैं 11,786 वगैरह, यहाँ पे एक गैप है ये पूरा इधर नीचे आ सकता है और यहाँ पे भी आप एक गैप देख रहे हो 11,786 और 11,749 का जो ये गैप है। तो जब भी मार्केट नीचे आता है तो गैप जो है कि भरने का कोशिश करता है, तो ये इंपॉर्टेंस लेवल आपको देखना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीक के लिए नजदीक वाला जो लेवल है इसको इंपॉर्टेंस देंगे। अगर ये लेवल विद इन वीक कोई ब्रेक होता है तो वो आइदर साइड मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमको मार्केट जो है कि साइडवेज दिख रहा है, तो साइडवेज में नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए दोस्तों कि बैंक निफ्टी में जो टेलीकॉम का जो प्रॉब्लम हुआ था फ्राइडे को, बैंक निफ्टी ज्यादा यहाँ से ड्रैग हो गया और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने जो ब्रेक किया था 30,900 का, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा पैनिक है। अगर वो 30,500 अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 29,600 के आसपास आने का कोशिश करेगा। यहाँ पे भी ये जो गैप है इन बिटवीन एक गैप है, ये भी फिल करने का कोशिश करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी गैप है, ये फिल होने का कोशिश करेगा। जब ये नीचे आएगा तो अभी हम लोग उसके टारगेट डिसाइड करेंगे। फिलहाल हमको 30,500 का ये इंपॉर्टेंस लेवल जो है कि ये हमारे लिए सपोर्ट रहा है बैंक निफ्टी में, और जो है कि ए वाला जो लेवल है 31,649 तो ये लेवल रहेगा हमको एक रेसिशन के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा साइडवेज, तो निफ्टी से थोड़ा निगेटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है और शायद मंडे को भी कुछ इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। आपको इमिजिएटली अगर मंडे के लिए जो लेवल चाहिए तो वो है 30,769 के नीचे आपको इसको शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट का एक अच्छा मौका मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव है। पॉजिटिव होता है तो 30,915 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव का ट्रेड भी आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ये थोड़ा बहुत साइडवेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपने जिस स्टॉक के बारे में मुझे पूछा मैं यहाँ पे कवर करूंगा, तो मौली सोलंकी जी उन्होंने मुझे पूछा है पीडीलेट के बारे में, उन्होंने 1372 में बाय किया था और कुछ क्वांटिटी उनके पास है। तो पीडीलेट देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अगर आप उसका चार्ट देखें तो ये पूरा ऑल टाइम हाई के यहाँ पे है। तो यहाँ पे कभी भी देखो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी अगर ए लेवल में बुक करना है या फिर उसको और टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर बाय किया है 1573 का क्लोजिंग बेसिस पे टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर सकते हो। अगर ये 1606 ब्रेक करेगा तो और भी ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश करेगा और 1700 तक भी ये जा सकता है, लेकिन अगर सेफर साइड
1573 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के आपका बचा हुआ क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है सिंडिकेट बैंक, मुझे ओमकार जी ने पूछा है, हम लोग सिंडिकेट बैंक का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। तो इसका जो चार्ट है वो बहुत ही नेगेटिव है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे जस्ट उधर पे क्लोज हुआ है, 2330 का ही एक सपोर्ट लेवल है। अगर इन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होता है, 23 के नीचे क्लोज होता है, तो इसको एग्जिट करना पड़ेगा। नया बाइंग के लिए इसको आप अवॉइड करेंगे तो ही यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के बारे में मुझे पूछा है जगदीश करके, उन्होंने यहाँ पे इंडिया सीमेंट का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया सीमेंट का चार्ट है, एक सपोर्ट लेवल पे आया है, लेकिन जो कैंडल जो आया ग्रीन यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे अगर बाय करना है तो ए लेवल पे बाय कर सकते हो, लेकिन 72 का एक टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे जो मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा, ये ज़्यादा स्ट्रांग बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर कोई एंट्री करना है तो एक प्रॉपर टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मेरे को HUL के बारे में पूछा है सचिन जी करके, उन्होंने तो देखिए HUL एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। अगर आपने बाय किया होगा तो 2247 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 2297 के ऊपर ब्रेक करने के बाद और भी ये ऊपर जा सकता है, कंप्लीट इसका अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे इतना भागने के बाद कभी भी नीचे आता है, तो 2189 इधर भी आता है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये पहले वाला इसका रेसिस्टेंस था। तो ओवरऑल चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। जिंदल स्टील के बारे में मुझे पूछा है पटनाई करके, उन्होंने तो यहाँ पे जिंदल स्टील का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए कि जिंदल स्टील या जो मेटल भी स्टॉक है यह भी जस्ट रैली करना शुरू किया है, तो यहाँ पे इसका रैली बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ से रिट्रेस होगा और 187 के यहाँ पे आके अगर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 182 का टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ले सकते हो। करंट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है HDFC बैंक के बारे में मुझे पूछा है राहुल करके, उन्होंने तो देखिए कि बैंकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चला है और यहाँ पे HDFC बैंक है अपना एक रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है, तो मुझे HDFC बैंक 1193 के आसपास आने का मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये लेवल पे आने के बाद 1176 का टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हो। करंट सिचुएशन में ये मुझे थोड़ा नीचे आने का लग रहा है। इंट्राडे में चाहिए तो फ्राइडे का जो लो ब्रेक करता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, 1193 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। अल्ट्रा केमो के बारे में मुझे पूछा है सुब्रमण्यम जी, उन्होंने तो अल्ट्रा केमो का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा केमो भी एक अच्छा मोमेंटम कर रहा था, लेकिन आई थिंक लास्ट टाइम में भी मैंने इसको कवर किया था, तो ये बहुत साइडवेज गया, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल है 4250, यहाँ पे आके कुछ पॉजिटिव कैंडल बना तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन ये ब्रेक करेगा वैसे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस दूर है 4751, तो यहाँ पे करंट में कुछ ये नहीं बन रहा है, लेकिन ये जो कि स्टॉक है थोड़ा पॉजिटिव है। अमर राजा बैटरी जो है उसके बारे में मुझे पूछा है डांगे करके, डांगे जी उन्होंने इसका जो चार्ट देखेंगे तो ये इसका अप ट्रेंड तो बन रहा है, हायर है, हायर लो बन रहा है, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है उसके नज़दीक आ रहा है। अभी यहाँ पे बहुत बार है ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, तो कभी भी ये ट्रेंड लाइन को लगभग ए लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। वो एक्चुअली लेवल होगा 745 के आसपास, लेकिन जो कैंडल इसको सपोर्ट लेके अगर रिवर्स करता है तो वो कैंडल का लो टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अभी का यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा। SBI के बारे में मुझे पीयूष जी करके, उन्होंने पूछा है तो देखिए कि SBI का मैंने यहाँ पे एक ये भी बनाया था, यहाँ पे मैंने इंट्राडे में भी दिया था, यहाँ पे दो बार यहाँ पे रेड कैंडल बना और रेजिस्टेंस ले रहा है, और जैसे कि बैंकिंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो उसका चैनल बन रहा है तो अभी इधर अगर रेजिस्टेंस लेता है तो थोड़ा नीचे वाला यहाँ तक आ सकता है और ये चैनल फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर ये ब्रेक भी हो सकता है, या ऊपर और नीचे और ऊपर होने का दोनों भी चांस है, क्योंकि डिसेंडिंग चैनल है तो ऊपर ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन ये लेवल से अभी ये रिवर्स हो रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। जब भी प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तभी आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे SBI का भी थोड़ा सा मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, बाइंग के लिए इसको आपको वेट करना पड़ेगा। क्यूमिंस के बारे में मुझे पूछा है राजीव जी करके, उन्होंने तो क्यूमिंस का चार्ट देख लेते हैं। देखिए क्यूमिंस जो शेयर है वो अभी थोड़ा नीचे आ रहा है,
लोअर हाई लोअर लो बना के डाउन ट्रेंड एक क्लियर है, यहाँ पे नीचे उसका सपोर्ट है 520 के ऊपर, यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव कैंडल बनाते हो 509 का आप टॉपलेस लगा के इसको बाइंग कर सकते हो। हेक के बारे में मुझे रोहन जी करके उन्होंने पूछा है, तो देखिये हेक में एक दिन मैंने इसको एक कॉल भी दिया था, जब इसका जो लेवल था ये ब्रेकआउट हुआ तो इस दिन मैंने बाय करने के लिए दिया था, उस दिन ऊपर गया नहीं। लेकिन देखिए अगर आप उसका चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल सेलिंग प्रेशर आया था, और ये क्या होता है कि मिड कैप में क्या होता है कि एक तो ऊपर या नीचे बहुत जोर से गिरता है, तो ये मैंने सिर्फ जो कि इंट्राडे के लिए आपको रेकमेंड किया था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक दिन चला तो दूसरे दिन भी लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, जो स्टॉक इंट्राडे के लिए देते हैं तो इंट्राडे में ही करना है। तो यहाँ पे अभी जो एक खड़ा है वो भी एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, और अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो 995 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे फ्रेंच बाइंग करने का मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, बहुत बार इसने यूज किया है तो ये ब्रेक होने का भी चांस है, बट अगर नहीं ब्रेक होता है 995 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होता तो ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप लॉस बता दिया है अगर आपने बाय किया होगा तो। उसके बाद है बाटा इंडिया, तो बाटा इंडिया के बारे में मुझे सुजीत जी करके उन्होंने पूछा है। बाटा इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा इसने मोमेंटम किया था, लेकिन ये जो उसका एक ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही खड़ा है, तो यहाँ पे अगर बाय किया होगा तो आपको नियर जो लो है उसका टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 1753 का टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। नया बाइंग रिकमेंडेशन में यहाँ पे इसका नहीं देता हूँ, जब भी कुछ फॉर्मेशन बनता है तो मैं इंट्राडे में रेगुलर जो मेरी वीडियो आते हैं उसमें आपको मैं कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है मुझे पूछा है बजाज फाइनेंस के बारे में, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस के बारे में मुझे पूछा है मिस्टर दीपक करके उन्होंने, तो बजाज फाइनेंस देखिए कि रोज नया हाई मर रहा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। अभी इसका जो नेक्स्ट तो लेवल रहेगा 4813 के ऊपर जाता है तभी इसको बाय करना है। 4942 का एक फिबोनाची से इसका एक लेवल आ रहा है तो टारगेट आ सकता है, लेकिन ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे बाय करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल, मिस्टर रवि पवार जो है उन्होंने मुझे भारतीय एयरटेल के बारे में पूछा, तो भारतीय एयरटेल का ये जो बहुत ही अच्छा रैली चल रहा है तो मैंने थोड़ा पीछे जाके देखा तो इसका एक रेजिस्टेंस है, ये करंट लेवल पे है जो है 564 और ये 565 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको ट्रेड लेना है तो फ्राइडे का जो हाई रहेगा 567 के ऊपर जाके सस्टेन होता है तभी इसमें आप नया ट्रेड ले लो, या जब भी ये रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद अगर ये लेवल पे आता है 533 के लेवल पे आके कुछ रिवर्सल करता है तभी भी आप बाय कर सकते हो। अगर इसके आसपास जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे ओपन होता है तो वहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, एक तो वो 567 ब्रेक करेगा तभी आप इसको बाइंग कर सकते हो। ओवरऑल इसका जो चार्ट है बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो आपने मुझे पूछे, ये मेरे टेक्निकल लेवल है या टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ नहीं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट ऐसा ही चलेगा, इसमें आपको ट्रेड करने तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ आके लाइव मार्केट में तो यहाँ पे आके आप सीख सकते हो। जैसे कि हमारा 24 तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है मंडे से, एक महीने वाला कोर्स जो है उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना है तो मुझे व्हाट्सअप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।